दोस्तों, ये Xiaomi की 32 इंच की MI TV 4A Pro जो कि स्मार्ट टीवी है और HD रेडी डिस्प्ले के साथ आती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस और फ्लिपकार्ट से परचेज करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने इस टीवी को फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से जब मुझे डिलीवर की गई तो उसी टाइम पर बॉक्स को ओपन कर दिया था फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज ने। जब दोस्तों मैंने उनसे पूछा कि आप इसे क्यों ओपन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर, नई गाइडलाइन के मुताबिक हमें कस्टमर को टीवी ओपन करके बताना होता है कि कहीं टीवी डैमेज तो नहीं हुई। अगर टीवी डैमेज होती है तो इसे यहीं से ही रिप्लेस कर लिया जाता है और कस्टमर को रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है फ्लिपकार्ट से कॉन्टेक्ट करके। तो दोस्तों, ये नई गाइडलाइन है। पहले वाली गाइडलाइन में दोस्तों कंपनी का इंजीनियर आता था और वही उसे ओपन करता था टीवी को, और वो उसे इंस्टॉल करके जाता था, बाकी सारा प्रोसेस वही करता था। अभी वाली में दोस्तों बॉक्स को तो फ्लिपकार्ट वाले ओपन कर देते हैं डिलीवरी बॉयज, और इंस्टॉलेशन के लिए MI का सर्विस इंजीनियर आता है। तो दोस्तों, ये नई बात है, आप इसे नोटिस करें। और दोस्तों, ये 2020 वाला मॉडल है और इस टाइप से हमें मिल जाता है, और टीवी में भी हमें ज़्यादा कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता है, सेम टू सेम ही हमें टीवी देखने को मिलती है 2019 और 2020 के मुकाबले। और 2018 की भी दोस्तों सेम टू सेम ही थी, ज़्यादा कुछ हमें कोई खास अंतर पोर्ट वगैरह और डिज़ाइन में हमें देखने को नहीं मिलता है, और थोड़ा बेजल वगैरह में हम कह सकते हैं कि अंतर हमें देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों, रियलमी की जो टीवी आती है वो भी इसी प्राइस में आती है, उसके बेजल थोड़े और कम हैं इसके मुकाबले, तो डिज़ाइन के मामले में और के मामले में वो थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बाकी इस टीवी की अगर बात करें तो ये इस टाइप से दिखती है, देखिए आप पीछे से, पहले वाले मॉडल थे वो भी इसी टाइप से दिखते थे, ज़्यादा हमें अंतर देखने को नहीं मिलता है, देखिए आप, आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा अंतर। और दोस्तों, इसमें इंस्टॉलेशन के लिए हमें अलग से स्टैंड परचेज करना होता है, जो कि इंस्टॉलेशन इंजीनियर साथ में लेके आता है, उसके हमें अलग से 400 रुपये पे करने होते हैं। ये दोस्तों देखिए आप, इस टाइप से हमें बॉक्स मिलता है और ये MI का ओरिजिनल स्टैंड है जैसा कि वो बता रहे थे। देखिए आप, MI की ब्रांडिंग भी की गई है बॉक्स पर और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आप आगे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से टीवी को इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट से मैंने पहली बार ही टीवी परचेज की है, इससे पहले मैंने कभी फ्लिपकार्ट से टीवी परचेज नहीं की थी। मैंने दोस्तों पहले वाली जो MI की स्मार्ट टीवीज परचेज की थी वो मैंने MI.com से और अमेजोन से ही परचेज की थी, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों, फ्लिपकार्ट से भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों, ये नई बात मुझे देखने को मिली, पहले से ही सील को ओपन कर दिया जाता है। और दोस्तों, 2019 वाले मॉडल में मेरे साथ एक केस हुआ था, उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उसमें दोस्तों टीवी डैमेज निकली थी बॉक्स के अंदर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें दोस्तों, उस केस में दोस्तों टीवी को डिलीवर कर दिया गया था, और दूसरे दिन जब सर्विस इंजीनियर आया तो उसने टीवी को खोल कर देखा और जब इंस्टॉलेशन के लिए निकाला तो दोस्तों टीवी डैमेज निकली, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहें तो इसे घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी अपनी रिस्क पर, लेकिन दोस्तों कंपनी की गाइडलाइन के अंदर नहीं आती ये चीज़। जब कंपनी आपको फ्री इंस्टॉलेशन दे रही है तो आपको कंपनी से ही इंस्टॉलेशन करवाना ठीक रहेगा, इसमें आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी वो ऑफिशियल तरीके से हो जाएगी। अगर आप सेल्फ करते हैं तो दोस्तों, अगर कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है तो फिर वो आपकी रिस्क पर होगा और इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार होंगे और आप नुकसान कर बैठेंगे। तो आप कंपनी से ही इंस्टॉल करवाएं दोस्तों टीवी, और दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइप से होल्ड किए जाते हैं। और दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी का दोस्तों टीवी का सॉफ्टवेयर सेटअप तो हम कर ही लेते हैं खुद, तो आप देख सकते हैं मेनली सेटअप सर्विस इंजीनियर के द्वारा कर दिया है, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, ये टीवी इंस्टॉल हो चुकी है, देखिए आप। और दोस्तों, मैं इसे फटाफट से सेटअप कर देता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ इस 2020 वाले MI TV 4A Pro के मॉडल में, तो मुझे कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। 2019 वाला मॉडल भी दोस्तों सेम टू सेम ही हमें देखने को मिलता है, और फीचर वगैरह भी हमें नॉर्मल सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कोई खास हमें अंतर देखने को नहीं मिलता है। आप इंडिपेंडेंट कंज्यूमर हैं दोस्तों, तो आप अपनी नीड को देखें और उसी हिसाब से टीवी को सेलेक्ट करें। और दोस्तों, अगर ओवरऑल MI TV की बात करूँ तो आपको सेल वगैरह में ये काफ़ी कम प्राइस में भी देखने को मिल सकती है, 10% डिस्काउंट भी मान सकते हैं आप MRP पर। और दोस्तों, ये नॉर्मल प्राइस में 12,500 में मिलती है आपको, और आप चाहें तो सेल में इसे 10% लगाकर थोड़े कम प्राइस में भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट ईयर की जो नवरात्रि की सेल थी उसमें टीवी हमें काफ़ी कम रेट में मिली थी, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील थी दोस्तों इस MI TV 4A Pro 32 इंच की। तो अगर आपको उसी प्राइस में मिल जाती है तो काफ़ी किलर डील होगी आपके लिए,
बाकी दोस्तों आप इसे 12 से 13 हज़ार की रेंज में परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टीवी है, मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा इसका। बस थोड़ा दोस्तों कनेक्टिविटी में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम नज़र आती है, बाकी और ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं होती है। और कलर्स वगैरह रियलमी से थोड़े डाउन हैं इसके, बाकी आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क महसूस नहीं होने वाला है। और दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक है, पुरानी वाली टीवी के जैसा ही हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है 2020 वाले मॉडल में भी। और पोर्ट वगैरह भी दोस्तों हमें वही के वही देखने को मिल जाते हैं, वही की वही हमें सेम टू सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बस दोस्तों मॉडल का फ़र्क है, और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी लेटेस्ट मॉडल की होती है, तो हमें लेटेस्ट मॉडल ही परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों आप इसे बेझिझक परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी टीवी है। फिर भी दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।